नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी 20 कटरा लवर में। हम आ चुके हैं एक और गांव के अंदर नए झोटे की वीडियो बनाने के लिए। आइए मिलते हैं इनके मालिक से और इनका परिचय और फिर इस कटरे के बारे में पूछेंगे इनसे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। पहले तो अपना परिचय दीजिए। गांव मसीद, नाम वकील, जिला बिजनौर। अच्छा, तो इस कटरे के बारे में बताओ कुछ हमें। कहीं बाहर से लाए कटरे को, इसे कैसे? ये गुलबहार भैया ने ला के दिया। अच्छा, गुलबहार भैया ने ला के दिया है झोटा। अच्छा, कितना दिन हो गया अभी आपके पास में इसे? महीना एक हो गया। अच्छा दोस्तों, काफी सुंदर कदकाठी का झोटा है, कितनी अच्छी सिंगवाल है झोटे की। उन्ना अभी उन्ना है जी। इसकी मुंडी करिए जरा थोड़ी सी। दोस्तों देख सकते हो कितनी अच्छी सिंगवाल है, कितना सुंदर हाथों पैरों का झोटा है, बहुत ही शांत स्वभाव का झोटा है, काफी अच्छी पुट्ठे बने हुए हैं। कितने मीटर भगाओ इसे? 300। तो दोस्तों गुलवार भाई से ही पूछते हैं इस कटरे की विशेषता के बारे में कुछ। बताओ भैया कुछ इसके बारे में, कटरे कितने मीटर भाग रहा है और किस तरीके से भागता? भागने के पे हमारा जो लड़का खाती है, दोस्त ही है। अच्छा, बैठ दे दिया था, ये घुमा ले 300 मीटर। अच्छा, और 300 मीटर ला के दिया था इन्हें पैम से। अच्छा, अभी नए नए शौकीन बनाए तुमने? नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, ऐसा ना बेचारा जो सोच रहा कर लो शौक। अच्छा, यो मतलब जहाँ से लाए वहाँ भागे हुए था क्या? बस भागे हुए तो था नहीं है, मैं यो है थोड़ा बहुत जहाँ गए था मुझसे थोड़ा पता लिया। अच्छा हाँ, एक दो दफे दौड़ाया हमने। अच्छा अच्छा, ऐसे रेस उसमें ना दौड़ाया। अभी जैसे जब से तुम्हारे पास में आयो कोई सट्टा पट्टा कोई गेम पेम हुआ गया इससे? कुछ नहीं हुआ इसका, बिल्कुल इस टाइम पे ऐसे ही है। अच्छा, कितना समय हो गया आपके पास में? समय तो इसको करीबन महीने भर हो लिया होगा या 40 एक दिन तो हो लिया। अच्छा, अभी ज्यादा दिन ना हुए। अच्छा दोस्तों, काफी सुंदर हाथों पैरों का झोटा और काफी अच्छी हाइट भी है झोटे की, और सिंगवाल देख सकते हो कितनी सुंदर सिंगवाल का झोटा है। बस यो सोच करने को कहने लगा, मैंने कहा चल मैं ला के दूंगा झोटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे बार भैया कोई डंडा ला दो कटला, मैंने कहा चल मैं ला के। बहुत बढ़िया, और देखो दोस्तों ला के भी दिया है, कितना सुंदर झोटा ला के दिया है। अभी उन्ना ही है ना? हाँ अभी तो उन्ना है, अभी तो करीबन 22-23 महीने का ही होगा, 22 के लगभग होगा। अच्छा दोस्तों, काफी सुंदर हाथों पैरों का झोटा है। अभी कुछ देर बाद गुलवार भैया हमारे इस झोटे की बाघ दिखाएंगे, काफी सुंदर दौड़ता है झोटा। हमने एक दो वीडियो देखी इसकी भागते हुए, काफी सुंदर दौड़ता है झोटा ये। हाँ बताओ कुछ और इसके कटरे के बारे में, क्या बता रहे तुम? बस आज चेक करके देखेंगे इसे। अच्छा, और आगे को देखेंगे, जैसे भी होता कोई काम करेगा तो भाई 300 मीटर 350 मीटर जैसे भी होगा उन्नों में। अच्छा भगाएंगे। अच्छा पट्टा भगाने जो भी होगा। अच्छा, और जैसा पट्टी उट्टी होगी तो पट्टी में ना भगाने के, फूल में तो जाएगा पट्टी में, तो कैसे भी हो जब भी जाएगा पट्टी में। अच्छा, फूल में भी भगाओगे? पट्टी में तो बिल्कुल जाएगा। अच्छा जरा और चेक वेक कर ला, जब इन्हें करी लिया करने तैयार हो फिर देखेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल जो भी शौक कर रहा। दोस्तों कुछ देर बाद आपको ये झोटे की बाघ दिखाएंगे, बने रहे हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। दोस्तों काफी सुंदर कदकाठी का झोटा है। अभी तो इतनी तमीज नहीं था, शुरू हो जाएगा चालू। हाँ अभी तो बच्चा ही है। हाँ अभी है गाड़, माना शुरू नहीं करा। जोड़ लो तो इसे, जोड़ लो। हाँ, दिखाओ जोड़ के इसे। चलो देखते हैं जोड़ के लेंगे। अच्छा तुम ही भगाओगे इसे? हाँ मैं ही देखूंगा, घुमा के पक्के पे घुमा लेंगे ही। हाँ देख लेंगे क्या पोजीशन है इसकी। दोस्तों कुछ देर बाद आपको इसकी बाघ देखने को मिलेगी, झोटा चल दिया है। चलो भैया, अभी झोटे को भगाने वाले हमारे भाई गुलबहार ढाकी वाले। दोस्तों कटरा जुड़ चुका है, तो पक्के में भगाओगे? जब पक्के में? हाँ पक्के में घुमाऊंगा 300 मीटर। अच्छा अच्छा, दोस्तों देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं झोटे की बाघ देखने के लिए, गांव के ही रहने वाले हैं इनके। हाँ सब ये इसके मोहब्बत है वकील की। अच्छा मित्र है हमारे वकील भाई के छोटे छोटे बच्चे। इसके दोस्तों देख सकते हो कटरा खड़ा होने का अंदाज, इसकी मोहब्बत है। अच्छा अच्छा बच्चे इसके ना, बच्चे हाँ बच्चे तो अभी इनके हुए नहीं, एक आध बच्चा दिखा है। दोस्तों काफी सुंदर भाग रहने वाली है अभी इस वकील मसीद झोटे की, बहुत ही सुंदर भाग दिखाएगा अभी झोटा, बने रहे हमारे चैनल पर। बहुत ही सुंदर कदकाठी का झोटा है दोस्तों।
गाँव के बालक चल दिए कटरे की बाग देखने के लिए। ये के मलची रहने वाले हमारे गुलवार भाई। और क्या, और बिना मलची के तो शौक पूरा होने का ही ना। और क्या, दोस्तों कटरा आ गया है, काफी सुंदर बाग अभी देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ से अभी ये जोटा मुड़ के भागने वाला है, अभी 300 मीटर दौड़ेगा पूरा ये जोटा भी यहाँ से। दोस्तों कटरा छूटने वाला है, बहुत ही सुंदर भाग रहने वाली है दोस्तों। बारिश मंगवा दी एक तो चल सही है। दोस्तों कटरा आगू ना जा आगू। दोस्तों कटरा छूट चुका है, अजी गजब 50 चल लेना 50। दोस्तों काफी सुंदर भाग झोटे की, और देख सकते हो किस तरीके का पूरी 300 मीटर की भाग होने के बाद कटरा वहीं रुक गया। बहुत ही सुंदर भाग रही इस भाग इस झोटे की, बहुत ही तगड़ा भाग आया झोटा। दोस्तों ले आओ आगे ले आओ, बहुत ही सुंदर भाग रही दोस्तों झोटे की, 50 की स्पीड से भाग रहा था। दोस्तों झोटा आ चुका है घर पर, काफी सुंदर भाग रही झोटे की। और दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। कितने दिनों में भागा था आज ये? भागा कर भाई तो एक दफा घुमाया जब से हम लाए। अच्छा अच्छा, 40-45 दिन में दूसरी बार भागा? दूसरी बार भागा। अच्छा काफी सुंदर भागा, बताओ बताना ही हुआ भैया। जैसे कोई भैया रेत भगाना चाहता 300 मीटर, अच्छा कोई ऐसा भैया बंदी में अपनी, अच्छा तो 300 मीटर रेत भग जाएगी, बगर ऐसे तो हम चैलेंज नहीं छोड़ पा रहे। अच्छा अच्छा, जैसे कोई कहना चाहता तो यो यू जैसे वीडियो के ही संबंध से जो भी करना है आदमी को बिल्कुल बिल्कुल कर लेगा, और रेस की कोई होगी तो भैया बंदी से अपनी भग जाएगी 300 मीटर। दोस्तों ये कह रहे हैं भैया हमारे कि अगर कोई प्यार मोहब्बत से अगर उन्ना झोटा और 300 मीटर में भाग भगाना चाहता तो आराम से बैठ कर बात हो जाएगी। हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हो, और फिर उसके बाद में बैठ कर बात हो जाएगी और 300 मीटर भाग ये भैया भगा देंगे उस झोटे के साथ। चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं है। हाँ पर कोई भी अगर भाई बंधु वीर की तरह से अगर कोई भगाना चाहता तो बैठ कर बात हो जाएगी और 300 मीटर भगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनने की अपना मान तो उसकी कोई वो है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जो भगाना चाहता अपना भगा लेंगे 300 मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो तुमने पशु और भी पाल रखे भैया? हाँ पशु। अच्छा तो पे भाई। अच्छा भैंस वैंस पाल रखी है क्या? भैंस गावन भी है, घर की जुटिया पाल रखी है। अच्छा अच्छा, दिखाओ यार भैंस वैंस भी दिखाओ हमें। कॉल कर जुटिया लगा लगा जो घर की पाल रखी दोनों। दोस्तों अभी एक जुटिया दिखाएंगे भैया, किस महीने की जुटिया है उसमें 4 महीना आ गया। अच्छा जी, जो घर की पाल रखी है 21 महीने की अभी है और 4 महीने की अपन भी आ गई। 4 आलियो है, 3 इतनी आ गई है पक्की। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्तों बहुत ही अच्छे पशुपालक भाई है हमारे, बहुत ही सुंदर अच्छी नस्ल रखते हैं,
भैंसों की भी और कटरे की भी। कटरा तो आपने देखा, अभी भैंस दिखाएंगे आपको। देख सकते हो कितनी सुंदर भैंस है, बहुत ही अच्छी भैंस बनी हुई है, बहुत ही सुंदर भैंस है भैया की। तो ये वो भैंस घर की है तुम्हारे दोस्तों? भैंस देख सकते हो कितनी सुंदर भैंस है। दोस्तों बहुत ही सुंदर भैंस है। कितना, कौन सी बार भी आ रही हो? चौथी बार भी आ गई हो इस बार? दोस्तों बहुत ही सुंदर भैंस है, चौथी बार भी आ रही है और ग्याबन भी है इस समय। कितने महीने की ग्याबन आ गई इस समय? अच्छा, डेढ़ महीने। दूध भी 20-21 किलो करवा दी थी, बढ़िया। अच्छा जी, 20-22 लीटर? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा जी, कितना दूध निकलवा दी? और दोस्तों चौथी बार भी आ रही है और 20-22 लीटर दूध की इसकी क्षमता है भैंस की। तो इसे बेचो बच्चो है क्या? ना, बेचने घर की भैंस है। अच्छा अच्छा, एक भाई अपनी हो। दोस्तों देख सकते हो दूसरी भैंस भैया की, ये 2 महीने की ग्याबन आ गई। अच्छा, ये 2 महीने की ग्याबन है। ये 3 पशु बिल्कुल अपने घर के है, ये है वो झुटिया जो बता रहा था। अच्छा, वो पल्ली वाली? ना, ये वाली 21 महीने वाली। अच्छा दोस्तों, ये है 21 महीने की झुटिया जो 3 महीने की ग्याबन भी आ चुकी है। कितनी अच्छी बनी हुई है, ऊंचाई देख सकते हो कितनी अच्छी ऊंचाई, कितने अच्छे पुट्ठे बने हुए भैंस के, बहुत ही अच्छी झुटिया है। और ये देख सकते हो तीसरी भैंस है इनके पास में, बहुत ही अच्छे सुंदर डंगर रखते हैं ये। 14 किलो दूध कलवा रही है 2 महीने। अच्छा, ये वाली 14 लीटर दूध दे रही है इस समय? इस टाइम 14 लीटर दूध है। अच्छा, ग्याबन भी है? 2 महीने की। अच्छा, 2 महीने की ग्याबन भी दोस्तों ये। कटिया नीचे। अच्छा दोस्तों, एक भैंस हो रहे हो भैया के पास में, इस भैंस की क्या विशेषता? 5 किलो दूध है। अच्छा, 5 महीने की ग्याबन। अच्छा, 5 किलो दूध दे रही, 5 महीने की ग्याबन। और कौन सी बार भी आ गई? कटिया नीचे है। कौन सी बात भी आ गई है, तीसरी बार? अच्छा दोस्तों, बहुत ही अच्छे पशुपालक भाई है हमारे, बहुत ही सुंदर नस्ल के पशु रखते हैं। देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर भैंस से इन्होंने पाल रखी हैं। ये 22 लीटर की भैंस है। अच्छा, कटिया आई है इसके नीचे दोस्तों, बहुत ही सुंदर झूठी आई है इसके नीचे। अच्छा, ये अभी लाए दिखो तुम कहीं बाहर से? दिल्ली नोएडा से। अच्छा, दिल्ली नोएडा से लाए ये वाली। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, बने रहे हमारे चैनल पर। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।